देश में पैगंबर मोहम्मद विवाद को लेकर हिंसा चारों तरफ हो रही है। प्रदर्शन कर रहे लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और हिंसक झड़प को अंजाम दे रहे हैं। इस विवाद को लेकर रांची में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में गोली लगने से दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार लोगों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी की और जवाबी कार्रवाई में इन दोनों को गोली लग गई। वहीं यूपी में प्रदर्शन पर पुलिस एक्शन में है और अब तक कुल 227 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। रांची में जिन प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है उनमें से एक का नाम मोहम्मद शाहिद है। हिंसा में घायल हुए रांची के SSP अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है जहां उनका लगातार उपचार चल रहा है। घायल SSP की जगह अब DSP अंशुमन ने प्रदर्शन के खिलाफ मोर्चा संभाला हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार 8 घायल उपद्रवी भी अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं दिल्ली में जामा मस्जिद में हुए प्रदर्शन के बाद से DSP सेंट्रल ने बताया कि जुम्मे की नमाज के बाद शुक्रवार को जामा मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर अज्ञात लोगों के खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रदर्शनकारियों की पहचान की जा रही है, जल्द ही इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में शुक्रवार को सड़कों को अवरोध कर दिया और रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन की पटरियों पर बैठकर ट्रेनों की आवाजाही भी प्रदर्शनकारियों ने प्रभावित की। हावड़ा जिले के उलुबेरिया में आज BJP के एक कार्यालय में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों की धूलागढ़, पंचला और उलुबेरिया में पुलिस के साथ तब झड़प हुई जब उन्होंने राष्ट्र राजमार्ग 6 की नाकाबंदी खुलवाने की कोशिश की। वहीं हावड़ा खड़गपुर रेल मार्ग पर चल रहे विरोध के चलते संतरागाछी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि BJP प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ रांची के मेन रोड में हिंसक प्रदर्शन हुआ। लोग की भीड़ अचानक जुटने लगी और प्रदर्शन ने कब हिंसक रूप ले लिया किसी को मालूम नहीं हुआ। सड़क पर मौजूद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की। जब प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया तो भीड़ पुलिस की ओर पत्थर फेंकने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया है।